बांद्रा वेस के पाली हिल रोड स्थित दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया है। यह कार्रवाई बीएमसी द्वारा की गई है। कंगना ने सोशल मीडिया पर अपने टूटे फूटे ऑफिस की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कंगना ने मणिकर्णिका फिल्मज में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम। वही बीएमसी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद बुधवार को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि कंगना का ये ऑफिस 48 करोड़ में बना है। कंगना के इस ऑफिस को बनाने के लिए मुंबई के पाली हिल स्थित बंगलो नंबर 5 का पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। इसके बाद इसे वर्क स्टूडियो में बदला गया था। कंगना के इस ऑफिस को यूरोपियन स्टाइल वाला टच दिया गया है। इस स्टूडियो में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। इस ऑफिस में टेक्सचर्ड वॉल, फ्लोर लैंप्स और ट्रेडिशनल फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कंगना के वर्क स्पेस को काफी एस्थेटिक लुक देता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं।